Learn easy and smart. Hindi dictation. Start. मैं गोरक्षक हूँ, फिर चाहे आप में से कई लोगों को आज के संदर्भ में वह कितना ही भयावह लगे। वर्षों तक हम में से कुछ लोग अवैध बूचड़खानों में गायों और बछड़ों को कत्ल करने के लिए होने वाले अवैध परिवहन को रोकने का प्रयास करते रहे। कुछ राज्यों में तो हर वैध बूचड़खाने के पीछे 100 अवैध कत्लखाने हैं। कई बार हम कामयाब होते पर ज्यादातर हम नाकाम ही होते। वे रिश्वत देकर या व्यक्तिगत प्रभाव से अथवा पुलिस की लापरवाही के कारण छूट जाते। लेकिन जानवरों से प्रेम करने वाले हम सभी के लिए यह बहुत भयावह दृश्य होता। बदकिस्मत पशुओं को पेड़ तोड़कर ट्रक व टेम्पो में ठूसा जाता ताकि ज्यादा से ज्यादा पशु उसमें भरे जा सकें। कुछ बेचारे बूचड़खाने पर पहुंचने से पहले ही दम घुटने से मर जाते। जिन्हें बचा भी लिया जाता वे भी बस जिंदा ही होते थे। मैं गोरक्षक ही नहीं, श्वान रक्षक, बिल्ली रक्षक, भैंस रक्षक, यहाँ तक कि चिड़िया रक्षक भी हूँ, जिन्हें खत्म होने से बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे लिए यह उस जानवर को बचाने का मामला नहीं है जिसकी मैं पूजा करता हूँ। यह तो जानवरों, सारे जानवरों, पक्षियों, सारे जीवित प्राणियों की रक्षा करने का मामला है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि यह धरती उतनी ही उनकी भी है जितनी मेरी और आपकी। इतने वर्षों में मैं अन्य लोगों से मिला और जाना कि मैं कैसे शेर रक्षक, हाथी रक्षक, कृष्ण मृग रक्षक बन सकता हूँ। मुझे तो सभी प्राणी पसंद हैं। सौम्य स्वभाव की वह नील गाय भी, जिसे सरकार ने वर्मिन, हानि पहुंचाने वाला का दर्जा दिया है, जिसका मतलब है कि उसे मारा जा सकता है। मुझे लगता है कि सारे ही प्राणी उस दुनिया को सुंदरता और जादू से भर देते हैं जिसे हम मानव जंगलों और मैनग्रोव घनी झाड़ियों का इलाका को नष्ट कर रहे हैं। और जो इन प्राणियों का प्राकृतिक आवास है, लेकिन सभी लंबी यात्राओं की तरह यह यात्रा भी एक छोटे से कदम से शुरू हुई थी। वह कदम था हमारे शहरों की गलियों में आवारा भटकने वाले पशुओं को बचाने का। 35 साल पहले जब मैं मुंबई शहर में आया था तो आवारा कुत्तों को यहाँ वहाँ पकड़कर मार डाला जाता था। गलियों को कुत्तों से मुक्त करने के लिए बेरहमी से पीटना, जहर देना, बड़े वाटर टब में डालकर बिजली का करंट छोड़ देने जैसे कदम उठाए जाते। फिर भी हर साल उनकी संख्या बढ़ती जाती। हमने पशु गणना की, अदालतों में गए और ऐसे कदमों की जगह कुत्तों की नसबंदी का कदम उठाने की गुजारिश की। हमेशा की तरह अदालतों ने समय तो लिया पर यह हत्याएं बंद करवा दी। हमारी न्याय प्रणाली चाहे धीमी हो लेकिन वह मानवीय है। हमने राहत की सांस ली। अब समस्या यह थी कि अपने मामूली संसाधनों से उनकी नसबंदी का कार्यक्रम कैसे चलाया जाए। सौभाग्य से कई एनजीओ सामने आ गए, वह काम हाथ में ले लिया। उन्होंने बहुत ही सराहनीय काम किया। मुझसे बेहतर स्त्री पुरुष हैं जो हमारे अद्भुत वन्य जीवन की रक्षा करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। यह बहुत कठिन काम है क्योंकि जंगलों से पैसा मिलता है और वहां मौजूद प्राणियों की बजाय
अवैध शिकारियों को ज्यादा संरक्षण मिलता है। इसलिए चाहे हम सब जानते हों कि किसने शेर अथवा सिंह वाले गेंडे की हत्या की है और किस उद्देश्य से, दोषी बहुत कम मौकों पर पकड़े जाते हैं और उन्हें कम ही सजा मिल पाती है। जैसा कि हमारी पशु गणना से पता चला था, छोड़ दिए गए पशु हमारी सड़कों पर सबसे ज्यादा संख्या में हैं। एक बार वे निरुपयोगी हो जाएं तो उनके मालिक उन्हें सड़कों पर छोड़ देते हैं। उनमें से ज्यादातर भूख से व्याकुल होकर प्लास्टिक खाने के कारण मर जाते हैं। थोड़े ही गौरक्षकों को उनकी चिंता होती है। वे बूचड़ खाने जाने वाली गायों और अब भैंसों का पीछा करने में व्यस्त जो होते हैं। कई बार तो गलत उत्साह में वे वैध रूप से गायों को बूचड़ खाने ले जाने वाले लोगों पर ही हमले कर देते हैं, क्योंकि सारे राज्यों में तो गायों को बूचड़ खाने ले जाना अवैध नहीं है। काश ऐसा होता, न सिर्फ गायें बचती बल्कि इंसानी जिंदगियां भी बचती। खास तौर पर पुलिस मुस्लिम व दलित और बंजारा जनजातियां जो नए युग के बेलगाम गौरक्षकों के निशाने पर आ गए हैं, वे अब किसी पर भी हमला कर देते हैं जिन पर उन्हें संदेह हो। मजे की बात है कि जब हम गौरक्षा की बात कर रहे हैं तो हम दुनिया के सबसे बड़े गौमांस निर्यातक के रूप में उभरे हैं। अमेरिकी कृषि विभाग के मुताबिक हमने 2015 में गाय और बछड़े का 24 लाख टन मांस निर्यात किया है और यह आंकड़ा हर साल बढ़ रहा है। भारत, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया मिलकर दुनिया का 58.7% गोमांस निर्यात करते हैं। इसमें अकेले भारत की हिस्सेदारी 23.5% है। ICRA का अनुमान है कि अगले 5 साल में हमारा गोमांस निर्यात 40,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। यह दुखद है कि ज्यादातर पत्रकार जो इस उपलब्धि को खुशी से रिपोर्ट करते हैं, इसे इस आधार पर उचित ठहराते हैं कि गाय नहीं केवल भैंसें मारी जाती हैं। जहां बूचड़खानों में काम करने वाले मोटे तौर पर मुस्लिम और उनकी चमड़ी उतारने वाले दलित होते हैं, पर गोमांस निर्यात का बिजनेस ऐसे धनी और शक्तिशाली लोग करते हैं जो न तो मुस्लिम होते हैं और न दलित। वे अपने बिजनेस को मुस्लिम नामों का ब्रांड देते हैं ताकि मध्य पूर्व के बाजार में उसे बेचना आसान हो जाए और खुद की पहचान भी छिपाई जा सके। यदि गोरक्षक गंभीर हैं तो वे इस गंदे काम में उनके यहाँ सिर्फ काम करने वालों की पिटाई या हत्या करने की बजाय इन बड़े लोगों को निशाना क्यों नहीं बनाते। हाँ, मैं अब भी गौरक्षक हूँ, लेकिन वह प्राणी आंदोलन जो हमने इतने वर्षों तक चलाया लोगों को सारे ही प्राणियों के प्रति करुणा दिखाने का सबक दिया, अब इन कुछ दादागिरी दिखाने वालों और हत्यारों के कारण अपनी वैधता खोने की कगार पर है। कोई नहीं जानता कि यह अचानक कहां से आ गए। कोई नहीं जानता कि वे चाहते क्या हैं। एक बात स्पष्ट है, गाय बचाना नहीं उनका एजेंडा, लोगों की हत्या करना है। स्टॉप। धन्यवाद।